राजनांदगांव से, जहां ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान है। दरअसल राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 10 ट्रेन 12 जून तक रद्द कर दी गई है। रेलवे क्रॉसिंग पर मेंटेनेंस का काम होना है। नागपुर मंडल के रूट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। राजनांदगांव से गुजरने वाली 10 ट्रेन 12 जून तक कैंसिल कर दी गई हैं और रेलवे क्रॉसिंग पर मेंटेनेंस का काम होगा। राजनांदगांव से जानकारी मिली है। नागपुर मंडल जहां राजनांदगांव ट्रेन कैंसिल होने से यहां के यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बता दें आपको कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 10 ट्रेन को कैंसिल किया गया है 12 जून तक और यहां रेलवे क्रॉसिंग मेंटेनेंस का काम चलना है। नागपुर मंडल के एक रूट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते राजनांदगांव के यात्रियों को परेशानी कुछ समय उठानी पड़ेगी। और धमतरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। करोड़ों के सड़क के मरम्मत का काम शुरू हो गया। एक महीने बाद ही सड़क उखड़ने लगी थी। दरअसल सड़क पे जो पैचेस आए थे, उन पैचेस के काम को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और ठेकेदार पर गड़बड़ी करने का जो आरोप है उसे अब एक्शन उस पर लिया जा सकता है। खबर दिखाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आएगा ये देखने का विषय। और अब एक सवाल कि क्या चिता की राख में मर्डर का सबूत तलाशा जा सकता है, वो भी एक बुलेट। सुनकर यकीन आपको शायद ना हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है। एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नजर नहीं आई। अस्थि कलश में भी गोली की तलाश की गई, लेकिन अब यह गोली एक पहेली बन गई है। अस्थि कलश में गोली की तलाश, चिता की राख में सुराग की पड़ताल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं खुला राज, कत्ल की हैरान करने वाली वारदात, गोली बनी पहेली, आखिर गोली गई कहां? अब से पहले शायद ही आपने ऐसी तहकीकात देखी होगी। यहां चिता की राख में तलाश जारी है, पूरा परिवार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि राख को पानी में भी छाना गया, अस्थि कलश में भी उसे खोजा जा रहा है, जो अब तक न तो डॉक्टर्स को दिखाई दी न ही पुलिस के हाथ आई। ये पूरी कहानी उस सबूत की है, जिसका मिलना केस के लिहाज से बेहद जरूरी है। ये तलाश है एक गोली की। पहले समझिए मामला क्या है। रीवा के जवा थाना इलाके के जनकहाई गांव में 4 दिन पहले हत्याकांड हुआ। गोली मारकर राम शिरोमणि केवट की हत्या कर दी गई। ट्रैक्टर न चलाने की बात पे इनके बीच में मारपीट हुई थी। उसका ड्राइवर है जो आरोपी है मुख्य प्रकरण में, जो आरोपी अनिल पटेल है, उसका ड्राइवर है जो मृतक का लड़का है, और उसने उस दिन ट्रैक्टर चलाने मना किया था, और जिसकी वजह से फिर ये विवाद हुआ था। विवाद क्या था ये भी आपको बताते हैं। ट्रैक्टर के मालिक अनिल पटेल को ट्रैक्टर ड्राइवर रामलाल केवट ने ट्रैक्टर चलाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर बखेड़ा हुआ, विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद में ड्राइवर रामलाल केवट के पिता राम शिरोमणि को गोली लगने से उनकी मौत हो गई। इधर ट्रैक्टर मालिक अनिल पटेल भी घायल है। दोनों तरफ से मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में इसमें मारपीट हुई थी, और जो अनिल पटेल की तरफ से जो पक्ष था उसकी तरफ से गोली चली थी, जिसमें राम शिरोमणि केवट की मृत्यु हुई थी, और जिसके आधार पर इसमें हमने राम शिरोमणि केवट मृतक के बेटे की तरफ से इसमें हमने FIR इसमें 302 धारा के अंतर्गत कायम किया है। इसमें हमने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, दिलीप पटेल और पिंकू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर के केस में 2 आरोपी तो गिरफ्तार हुए, 1 आरोपी अनिल का इलाज जारी है, लेकिन राम शिरोमणि को लगी गोली अब पहेली बन गई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नजर नहीं आई और ना ही मिली। अब पुलिस के पास अस्थि कलश की तलाश ही आखिरी उम्मीद थी। कोशिश ये की जाती है कि जब पीएम होता है तो डॉक्टर उसको एक्सरे या अन्य माध्यमों से गोली की पोजीशन पता करके फिर उसको निकालते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकरण में क्योंकि संभवतः कहीं डीप है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं पीएम के समय भी, तो अगर परिजन उसकी परमिशन देंगे और अगर जो भी अस्थि होती है अगर उसमें छान के भी निकाल सकते हैं, अगर परिजनों की अनुमति होगी तो उसको भी किया जाए। मृतक के परिवार की सहमति से अस्थि कलश चिता की राख में भी उस गोली को ढूंढा गया, लेकिन इस तलाश में भी पुलिस के हाथ खाली रहे। सवाल यह है कि आखिर गोली की यह पहेली कब सुलझेगी, आखिर गोली गई कहां? सतना में शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस में आज मंथन का दौर, सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चुनावी नतीजों पर होगी समीक्षा। कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा एक और